बाबूजी आगे का क्वेश्चन है, शिव महाशिव या परम शिव की बनाई आत्मा क्या बेहद में विलीन हो जन्म मरण के चक्कर से छूटेगी या इन्हीं शिव महाशिव परम शिव में विलीन होगी? ऐसा तो एक नेचुरल लॉ है, आत्माओं का नेचुरल लॉ है जी कि आत्मा जिनमें से निकली है उसी में समा जाती है। बराबर अगर शिव में से निकली है तो अंतिम समय में काल अग्नि के टाइम पर शिव में काल अग्नि में जलकर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर महाशिव वाली आत्मा है, जी महाशिव से निकली है, तो महाशिव की कैटेगरी है। तो जब महाकाल प्रलय होता है तब महाकाल प्रलय में वो आत्मा महाशिव के रोम रोम में समा जाती है। आत्मा एक नियम है। और परम महाशिव की जो यूनिवर्स की कैटेगरी की आत्मा है, परम महाशिव से बनी हुई आत्मा है, जी तो वो सभी परम महाशिव के आसपास रहती हैं। जी तो वो जब परम महाशिव जब पूरे परम परम महाकाल अग्नि जलाता है तब उसमें विलीन हो जाता है। बाबूजी आगे क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान मार्ग? मीराबाई, प्रहलाद और शंकराचार्य की आत्मा क्या एक बेहद में विलीन हुई या विष्णुपुरी शिवपुरी तक गई? क्वेश्चन ऐसा है, जब चाहे मीरा हो जी। तो मीरा को बता ना कि कृष्ण की मूर्ति में समा गए, हाँ वो ऐसा दिखाया, मगर वास्तव में उसी टाइम कृष्ण वाली जो आत्माओं का जो काम करने वाली उसकी देवदूत होता है, कृष्ण के लिए देवदूत होता है, जी वो उसी आत्मा को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर उसी आत्मा को स्वर्ग लोक में ले जाती है आत्मा ओके उसको। तो मीरा की आत्मा स्वर्ग लोक में गई। हाँ और जैसे शंकराचार्य, वो शंकराचार्य ज्ञानी पुरुष थे, हाँ तो वो भी ज्ञानी पुरुष वो जन्म मरण के चक्कर में आकर फिर कर्मों का हिसाब किताब पूरा करेंगे। जी तो जन्म मरण के चक्कर में शंकराचार्य आज भी धरती पर है, कई जन्म मरण के चक्र में आएंगे। अच्छा बाबूजी आगे हैं, तो क्या वो विष्णुपुरी शिवपुरी तक नहीं अभी गई? तो कर्मों का हिसाब किताब नहीं पूरा ना, शंकराचार्य ज्ञानी थे, मगर ओके ज्ञानियों को भी तो कर्म का हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है ना, ओके कैसे ऊपर जाएगा। हाँ तो शंकराचार्य धरती पर अभी मनुष्य अवतार में, अभी और भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं शंकराचार्य, गुप्त वेश पे हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में बैठे हैं और वो योगी बनते हैं, पर ब्रह्म को याद करके वो सीधा डायरेक्ट परम धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट सीधा पर परम धाम में चले जाएंगे। बाबूजी आगे का क्वेश्चन है, कलयुग में नाम जप की महिमा है, तो क्या ओम का जप करें या हमें केवल बेहद के बारे में सोचना चाहिए? देखो ओम का जप एक भक्ति मार्ग में पहले बताया था, ओम जी आ उ म ओम कहता है ना, तो आ उ म ओम करने से, ओम तुम्हारी नाभि से शुरू होता है, जी तो ओम का ध्वनि करने से जी तुम्हारी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होती है, तुम्हारी सारी शक्तियां जो मूलाधार चक्र में पड़ी है वो धीरे ऊर्ध्वगामी बनकर धीरे धीरे आत्मा में आठवां चक्र में आती है। जी तो आत्मा धीरे धीरे ओम की ध्वनि आधा घंटा घंटा सुबह में करता है, जी तो आत्मा में धीरे धीरे शक्ति आती है, जी आत्मा में हल्की सी शक्ति आती है, अच्छे मन बनता है। जी तो ओम की ध्वनि भक्ति मार्ग वाले करते हैं, मगर ज्ञानियों को तो डायरेक्ट निराकार को याद करो ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकार से पावर। मेरी वीडियो है ना, शायद इन्होंने देखी होगी, सीक्रेट योग में, जी तो सीक्रेट योग देखो और डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो। बाबूजी आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? देखो ब्रह्म शिव को मानते हैं, शिव निराकार को ब्रह्म मानते हैं, लाइट निराकार को ब्रह्म मानते हैं, और जो निराकार को पूजते हैं उसको ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। जी तो जो निराकार को याद करते हैं परमात्मा समझ कर, तो वो निराकार को पाएगा ना, जिसको याद करोगे उसी को एक दिन पाओगे ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ? जिसको याद, कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, तुम अगर मुझे को याद करोगे तो मुझे को पाओगे, और तुम अगर भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे, जी बिल्कुल। तो ये बोला हुआ है ना। तो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार जो अपने आत्मा है, अपने आत्मा को जानना जब मतलब, ब्रह्म को जब जानता है, निराकार को जानता है, उसको ज्ञान होता है मैं आत्मा हूँ, ठीक ब्रह्म है का अंश हूँ, क्या है जी, ब्रह्म का पंच, आत्मा का बच्चा हूँ, आत्मा बच्चा हूँ परमात्मा का ठीक है अंश हूँ, जी। तो आत्म स्वरूप की अनुभूति होना माना मैं आत्मा हूँ, शरीर के अंदर भ्रुगुटी के बीच में जब हमारा बड़ा माइंड है उसके सेंटर पॉइंट में आत्मा रहकर पूरे शरीर को चलाती है, तो आत्मा ज्ञान हो जाए, आत्मा स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो वो आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार करने से आत्मा का पूरा दिव्य स्वरूप का अनुभव हो, दिव्य बॉडी का अनुभव हो, तो आत्मा धीरे धीरे विकर्म विनाश कर लेती है। ब्रह्म साक्षात्कार माने ब्रह्म को जान लेना। ब्रह्म का साक्षात्कार माना निराकारी स्वरूप का साक्षात्कार करना,
ब्रह्म माना निराकार, निराकार शिव का साक्षात्कार था। ओके, तो निराकार शिव जब ब्रह्म में, तुम ये योगी क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो निराकार को याद करते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है ऐसे वो रोशनी है, वो परम लाइट की रोशनी है, तो परम लाइट की रोशनी को याद करते 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 फिर उसमें ही उसकी आत्मा में इतनी पावर आ जाती है तो वो सीधे ब्रह्म के पास चली जाती है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो उसको पहले आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा, पहले अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा, फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप का विनाश हो जाएगा, तो सीधे एक सेकंड में वो परमधाम में चली जाएगी, ब्रह्म के पास चली जाएगी। जी बाबूजी, आगे का क्वेश्चन है, कुछ साल बाद अगर ये पृथ्वी अमर हो जाएगी और सभी अमर हो जाएंगे तो हम क्यों बेहद को सोचें, क्योंकि बदलाव तो 108 आत्मा करेगी, तो बाकी सभी कुछ किए बिना ही अमर हो जाएगी, तो सभी तो और पाप करने के बाद भी अमर कैसे हो जाएंगे? देखो, कर्मों का हिसाब किताब किसी को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी तो केवल एक धरती नहीं करे, पूरा मल्टीवर्स को करेगा, पूरे मल्टीवर्स में मृत्यु लोक है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सियां है, तो वो तो बेहद का क्रिएटर है, तो 108 बेहद की आत्मा है, तो उसको 108 को निमित बनाकर बेहद का परिवर्तन करेगा ना। मगर धरती भी जब ये सारा ये पूरा ब्रह्मांड अमर लोक बन जाएगा, पूरी गैलेक्सी अमर लोक बन जाएगी, मगर आत्माएं तो नंबरवार होगी ना। आत्मा की कैटेगरी नंबरवार हो जाएगी। अब जो महापापी है तो बोलेगी मैं तो वैसे भी अमर बनने वाला हूँ, तो महापाप करेगा। अरे जो पाप करेगा तो अंत में उसको प्रच्छेदा बोध करना पड़ेगा ना। ये मैंने पहले बोला ना कि जब वायुमंडल बदलेगा तो वो आत्मा इतना इतना प्रच्छेदा करेगी, वो टीवी पर जाकर लोगों को बोलेगी मैं महापापी हूँ, महा भ्रष्टाचारी हूँ, हाँ मैंने बहुत खूब पाप किया है, मुझे मारो, आओ डंडा मारो, और एक सेकंड में उसको अनेकों साल की सजा मिलेगी, बाद में वो अमर बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी, सजा खा के अमर बनेगी, उसके अंदर अंतिम समय में एक सेकंड में अनेकों साल की दुख का अनुभव होगा, इतना दुख होगा, प्रश्चाताप होगा, खून के आंसू रोएगी, क्या आंसू नहीं, खून के आंसू रोएगी, फिर बाद में अमर में जाएगी। मगर अमर लोक में भी जो 10 लेयर है, एक एक लेयर में चार चार अलग है, तो 40वें लेयर में रहेगी ना ऐसी आत्मा, 40वें लेयर, तो वहां परम तत्व की क्वालिटी में फर्क है। परम धाम में जो पहला लेयर दूसरा लेयर, उसमें एक एक लेयर में चार चार भाग है अलग अलग, तो 40वें लेयर में रहेगी, तो 10वें लेयर के चौथे भाग में रहेगी, तो ये आत्माओं की कैटेगरी में फर्क होगा ना ऐसी आत्माओं की, सब एक समान कैटेगरी। स्वर्ग में भी कई भाग है, स्वर्ग में 40 प्रकार का भाग है, स्वर्ग तो बनाएगा, स्वर्ग नहीं अमर लोक बनेगा, अमर लोक, मगर अमर लोक में 40वें अमर लोक में रहेगी, तो आत्मा की कैटेगरी नहीं होगा।